हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो एक बार सभी कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट। गुड इवनिंग सभी को। अरे रोज भाई क्लास चल जाएगी, अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, अब वापिस एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट, शाम का टाइम हो गया। ठीक है, तुम भी सभी कॉलेज से तो आ गए होंगे, कॉलेज में पढ़ के आओ फिर यहाँ के पढ़ो, बहुत सारा पढ़ना हो जाता है तुम्हारा भी। आदिति, मानसु, गीतांजलि, शेरावत, सुश्री, अंशुमन, सुपीरिया, सुपीरिया, ज्योति, सब गुड इवनिंग भाई, सभी को ऑल ऑफ गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखो जीओसी पढ़ रहे थे हम। जीओसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार फटाफट आ जाओ ताकि कल की तरह आप लोग नहीं कहो कि सर मैं अभी कनेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, एक बार वापिस रिपीट कर दो। ठीक है, ओके। देखो पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ कि भाई पिछली क्लास मैंने क्या पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि जीओसी के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था रेजोनेंस, जिसमें मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट की बात होगी इसके अंदर ओनली फॉर। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने सबसे पहला टाइप पढ़ रहे थे हम, कौन सा था वो, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, उसमें मैंने तीन क्वेश्चंस की बात की कि इसके अंदर सबसे पहला हम रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं उसकी बात हुई। तो मैंने सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि भाई क्यों हम पढ़ते हैं रेजोनेंस, तो उसका हमने रीजन ढूंढ लिया था। क्या था रीजन उसका, क्योंकि वो किसी भी रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता था वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता था। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की हो गई या किसकी हो गई थी, कोई भी आयंस की। तो दो काम कर रहा था, एक तो आपका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने काम करता था, और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता था किसी भी मॉलिक्यूल। तो ये इसी वजह से हमने यहाँ रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ये मैंने कहा था। दूसरा मैंने क्वेश्चन उठाया था कि कैसे हाउ रेजोनेंस अकर, कि कैसे रेजोनेंस होगा। तो ये मैंने कहा था कि रेजोनेंस कैसे होगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस, प्राइमरी कंडीशंस बताई थी। तो मैंने कहा था तीन कंडीशंस होती हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो करता है तो वो सिस्टम रेजोनेंस करेगा, अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशंस भी अगर फॉलो नहीं करता है तो सिस्टम रेजोनेंस नहीं करेगा। तो तीन कौन कौन सी कंडीशन मैंने बताई थी, सबसे पहला मैंने कहा था उसमें पी ऑर्बिटल होना जरूरी, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कहा था सेकंड कंडीशन कहा था कि उसके एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, उसके एडजेसेंट में भी होना चाहिए। और तीसरी बात कहा था कि उसके एडजेसेंट जो पी ऑर्बिटल होंगे वो दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए, मतलब वो सेम प्लेन में होने चाहिए, वो पी ऑर्बिटल डिफरेंट प्लेन में नहीं होने चाहिए। ये तीन बातें हमने कहा था। तीसरी फिर उसकी मैं कहा था कि तीसरी चीज था वेयर, कि कहां रेजोनेंस होगा। तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि वेयर कहां रेजोनेंस होगा। तो वेयर के अंदर हमने कहा ये सिक्स टाइप के रेजोनेंस हो सकते हैं, तो उसमें से पहला टाइप हमने पढ़ रहे थे लोन पेयर पाई रेजोनेंस, लोन पेयर पाई रेजोनेंस, लोन पेयर पाई रेजोनेंस। इसमें भी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। मैंने कहा था कि सबसे पहला हमने इसमें पॉइंट डिस्कस किया था, इसमें चार चीजें हमें डिस्कस करनी थी। सबसे पहला कि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, दूसरी चीज कौन सा लोन पेयर लोकलाइज लोन पेयर कहते हैं, किस लोन पेयर को डीलोकलाइज लोन पेयर कहते हैं, तीसरी चीज उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस लोन पेयर जिस भी लोन पेयर के हरेक एटम का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और फोर्थ पॉइंट यहां हमने कौन सा डिस्कस कर रहे थे कि वो जो लोन पेयर है उसका घर कौन सा होगा, मतलब वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, पी ऑर्बिटल में रहेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये चार पॉइंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तीन टाइप के एग्जांपल्स बनाए थे कि हमारे पास एक तो नॉर्मल मेरे पास जैसे ये NH2 हो गया और इसके साथ यहां क्या जुड़ गया, सिंपली नॉर्मल NH2 जुड़ गया, जैसे यही NH2 हो गया भाई। ठीक है, दूसरा केस इसी में डिस्कस किया था कि मेरे पास यहां क्या हो जाए, वो रेजोनेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हो, ये केस हमने डिस्कस किया था। तीसरा केस की बात करें तो तीसरे केस में हमने कहा कि हमारे पास ये क्या आ जाए, डबल बॉन्ड ही आ जाए, इस केस की डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और फोर्थ केस जो डिस्कस किया था वो था यहां ये था केस।
ये चार केसेस थे जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमें चार पॉइंट डिस्कस करने थे। पहला कि यहाँ आपके पास ये पाई, ये जो लोन पेयर है, कब पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट होंगे, कब नहीं होंगे, मतलब किस इसको लोन, कब इसको पाई इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर को कहेंगे, कब इसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा, दूसरी चीज मैंने कहा, पाई इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे इस लोन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे, हम कहेंगे जब, कहेंगे जब वो रेजोनेंस में अगर कोई लोन पेयर काउंट होता है, रेजोनेंस करता है कोई भी लोन पेयर, तो हम उसके पाई इलेक्ट्रॉन का भी नाम दे सकते हैं उस लोन पेयर को, ठीक है। अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसी का इनाम होता है, डीलोकलाइज लोन पेयर भी कहते हैं। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे लोकलाइज लोन पेयर कहते हैं। ये मैं इसकी बता रहा हूं समरी क्या है, कि क्या क्या पॉइंट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई भी लोन पेयर, मैंने दो पॉइंट बोले अभी, कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वो क्या होगा, या तो डीलोकलाइज लोन पेयर कह सकते हैं, उसी को ही हम क्या नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है तो उसका नाम क्या होता है, लोकलाइज लोन पेयर। उसके बाद मैंने कहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहा कि अगर कोई भी मेरे पास हाइब्रिड, कोई भी लोन पेयर, हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या चीजें काउंट करनी थी, वहां से मैंने केमिकल बॉन्डिंग से समझाया था पिछली क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां अगर वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर गया वो लोन पेयर, तो रेजोनेंस नहीं कर पाया, क्योंकि सेम प्लेन मैच नहीं हो पाते हैं। तो उसे किस में रहना पड़ेगा, उस लोन पेयर को पी ऑर्बिटल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कहा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करेंगे, मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो और नेगेटिव चार्ज। अगर वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जैसे यहां मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिड एक एस होगा और बचे हुए पी होंगे, तो sp3। इसकी बात करेंगे तो यहां हम कहेंगे ये लोन पेयर हमारा रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा तो इसका जो घर होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा। उसका घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल। यहां जो लोन पेयर का घर था वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, हाइब्रिड ऑर्बिटल था। इस लोन पेयर की यहां मैं बात करूंगा तो ये पी ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिड प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बच गए तो एक एस रहा होगा, दो पी रहे होंगे। तीसरा केस, यहां मेरे पास ये लोन पेयर, मैंने कहा कि अगर कोई भी लोन पेयर किसी भी एटम के पास क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड अगर आ जाता है, तो उसका चाहे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी एटम के पास डबल बॉन्ड खुद जुड़ा हुआ है, या मेरे पास क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो या रेडिकल हो, तो वो कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ओनली फॉर पाई बॉन्ड, क्योंकि यहां परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। इन केसेस में इतनी परफेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये दूसरे प्लेन में होंगे, तो यहां ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। इसकी बात करेंगे जैसे ये केसेस, इस केसेस में ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, और लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये किस में रहेगा, हाइब्रिड में रहेगा। तो यहां मेरे पास क्या हो जाएंगे, दो तो क्या हो गए भाई, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और यहां ये जो लोन पेयर रहेगा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। इसमें भी यहां ये लोन पेयर रेजोनेंस तो कर नहीं रहा होगा, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा नहीं, तो यहां बताओ कौन करेगा इसका, एक तो दो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो तीन हो गए टोटल, तो एक एस रहा होगा, दो पी रहे होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और इस लोन पेयर का घर कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां तक मैंने इसमें यहां तक पढ़ा दिया था, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कह रहे हो सी रिचा सर, सी डबल बॉन्ड ए सिस्टम में ए पर लोन पेयर हो और सी पर वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, ए पर लोन पेयर हो और सी पर वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, तो क्या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हम कहानी बात करेंगे रिचा, ठीक है। जब वैकेंट ऑर्बिटल तीसरा केस पढ़ेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, उसमें यही कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो,
तो यहां से अब मैंने कहा ये चार पॉइंट हमने डिस्कस करे, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट की बात करते कि आपको यूज कहां मिलेगा इनका, यूज जो मैं इतनी बातें बताई थी पिछली क्लास में इसका कहां यूज होगा, तो वो बातें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। देखो सबसे पहला यूज होता है यहां एरोमेटिसिटी, जब मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका बहुत यूज करूंगा एरोमेटिसिटी के अंदर इन लॉन पेयर्स की। देखो यहां जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इसका एप्लीकेशन पार्ट जो मैंने इतनी चीज बताई है कहां कहां यूज होगा, डिटेल से तो वहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कहां यूज करेंगे हम इसका। जैसे ये एग्जांपल है तो इस लॉन पेयर, इसके पास एक लॉन पेयर भी है। अब तुमसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ ये मेरे पास जो लॉन पेयर है इसका घर कौन सा होगा, या मैं ये कहूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या मैं ये कहूं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या मैं ये कहूं इसमें इसका ये लोकलाइज लोन पेयर होगा या डीलोकलाइज लोन पेयर होगा। तो देखो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो मैं इसको क्या कहूंगा, डीलोकलाइज लोन पेयर कहूंगा, डीलोकलाइज लोन पेयर नाम दूंगा, ठीक है। या इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, अगर रेजोनेंस कर रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहूंगा इसको, इसी को क्या कहूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी नाम दे सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैंने कहा इसका घर कौन सा होगा इस लोन पेयर का, तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो ये भी पी ऑर्बिटल होगा, ये इसको भी किस में आना पड़ेगा, पी और रेजोनेंस करने के लिए पी ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर होगा इसका घर कौन सा होगा, प्योर पी ऑर्बिटल होगा, प्योर पी ऑर्बिटल होगा। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिड में नहीं करेगा तो हमें क्या काउंट करने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहां लोन पेयर तो काउंट करेंगे नहीं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बच गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बच गया इसका, इसे क्या कहेंगे sp2। और इसमें अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन दो ये, अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो उसको क्या कहोगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, तो दो इसके हो जाएंगे, दो इसके, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से आप एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन भी करोगे आगे चल के, ये कहोगे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आप एरोमेटिसिटी में इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, इस चीज को यूज करोगे। दूसरा आपको यहां कहां यूज करना है, इसका एप्लीकेशन पार्ट कहां मिलेगा इस पॉइंट का, एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर। जब मैं आपको एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इसका बहुत यूज करूंगा। दूसरा कहां यूज करूंगा, एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर। एसिड बेस केमिस्ट्री की देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एसिड बेस को समझाने की कोशिश की थी, तो उसमें से एक साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेड और लोरी भी, दो साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड और लोरी। उन्होंने क्या कहा था, उसने कहा था कि एसिड आप उसको कहते हो जो H+ डोनेट करते हैं, ध्यान रखना एक पॉइंट को, जो H+ डोनेट करते हैं उसे एसिड कहते हैं, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसे बेस कहते हैं। बेस किसको कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसे बेस, और जो H+ डोनेट करते हैं उसे एसिड कहते हैं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बेस है, प्लस अगर H+ ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे बेस कहेंगे। तो इसके पास अगर लोन पेयर है तो इस लोन पेयर को H+ को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, इसी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे, कि इसका लोन पेयर लोकलाइज है डीलोकलाइज है, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होंगी। दूसरी और जेम में ध्यान रखना, एसिड बेस केमिस्ट्री से हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है एरोमेटिसिटी से, बहुत यूज होता है एसिड बेस केमिस्ट्री, इसी पर टिकी हुई होती है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, बी एच बन जाता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चंस, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस क्या पूछेगा, कहेगा इसी चीज को, जैसे आपके क्वेश्चन कह देगा कि आपके पास ये दो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड है, ये पायरोल है, और इसमें वन मोल एच प्लस दे रखा है, यहां से एक के वन रेट से जा रहा है, और दूसरा आपके पास ये पीरिडीन दे देता हूं, ये एच प्लस, ये के टू रेट से जा रहा है, कह देगा कि बताओ इसकी रेट बताओ किसकी ज्यादा होगी, रेट ऑफ प्रोटोनेशन। तो यहां से क्या बतानी है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ किसकी ज्यादा, के वन की ज्यादा होगी या के टू की। तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट जो लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस है इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको लेके आना पड़ेगा। हमें पता है कि यहां से ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज, और ये जो लोन पेयर है ये आपका लोकलाइज लोन पेयर है,
ये क्या है लोकलाइज और फिर ये डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइज होगा ये तो बेचारा किसमें इंक्लूड हो जाएगा, रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, जबकि इसका लोन पेयर फ्री बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है तो तुरंत ये क्या कर देगा H प्लस को डोनेट कर देगा। इसका लोन पेयर क्या है बिजी है, बिजी है तो ये इजीली H प्लस को डोनेट, H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये नाइट्रोजन फ्री है तो इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं कहूंगा यहां से के टू की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन कहूं या मैं इसी का ही नाम होता है बेसिक स्ट्रेंथ, इसी को ही क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। जब मैं आपको एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसमें एक बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी में से उसका इसका मतलब भी सेम होता है रेट ऑफ प्रोटोनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि डीलोकलाइज होगा तो बिजी रहेगा रेजोनेंस में, तो एच प्लस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एच प्लस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी रेट कम हो जाएगी। यहां ये नाइट्रोपिरिडीन का जो नाइट्रोजन होगा इस ये क्या करेगा, ये फ्री बैठा हुआ होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो तो एच प्लस को इजीली ले लेगा, तो रेट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेम में, इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे आपसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, ये कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ, यहां से वन मोल बताना है कि वन मोल है, वन मोल की बात कर रहा है कि यहां कौन से नाइट्रोजन पे H प्लस लेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर वन मोल H प्लस लेता हूं तो इन दोनों में रेट देखना है। देखो इसका ये लोन पेयर है, ये क्या है डीलोकलाइज, रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करेगा तो क्या कहोगे इसको डीलोकलाइज, तो ये रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, जबकि ये लोन पेयर रेजोनेंस कर नहीं रहा है तो इसे क्या कहोगे लोकलाइज लोन पेयर, लोकलाइज लोन पे कहोगे। और ये लोन पे लोकलाइज होगा तो ये बिजी नहीं होगा, यहां से क्या करेगा वो ये फ्री बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ होगा तो इजीली इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये तो NH2 और ये क्या बन जाएगा भाई NH3 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको कह भी सकता है, तो ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रेंथ कहूं मैं या रेट ऑफ प्रोटोनेशन का, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हमेशा रेट ऑफ प्रोटोनेशन या बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर की ज्यादा होती है। क्यों होगी, क्योंकि वहां ये फ्री बैठा हुआ है जबकि ये क्या है अपना बिजी है, इसे रेजोनेंस में, रेजोनेंस में बिजी है तो यहां रेट कम हो जाएगी, ये फ्री बैठा होती इजीली एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये उसके एप्लीकेशन होंगे जो हमने फर्स्ट पढ़ाई पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट होगा कि ये किसकी रेट ज्यादा होगी किसकी रेट कम होगी। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब इसी में जैसे मेरे पास अभी तक जो मैं बात करता था वो लोन पेयर किसके, कौन किसके लोन पेयर थे नाइट्रोजन के। अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूं और इसके लोन पेयर लेके आता हूं ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की अगर बात करूं कि आपके पास यहां CH3 CH2 और यहां OH है, तो आप पढ़ते हो कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, तो इसके पास भी दो लोन पेयर हैं। इन दोनों की अगर, इन दोनों केस की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि इस केसेस में अगर मैं यहां ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइज, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता 8, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब भी कोई भी अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होंगे तो यहां मेरे पास क्या होगा ये 2s2 2s हो गए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और ये आपका p ऑर्बिटल होगा, तो यहां कितने हैं 4 हैं, तो ये हो गया, तो ये मेरा 2p हो गया है, ये क्या हो गया 2p ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें 4। अब ये किसकी कहानी, यहां क्या है ग्राउंड स्टेट, आपको पता है कि यहां मिक्सिंग होगी तो 2p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग होगी जिसे आप क्या कहते हैं हाइब्रिड बनता है, तो ये चारों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी यहां से और यहां क्या हो जाएगा ये मेरे पास है। तो देख सकते हो कि यहां ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर और ये दोनों क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों तो बॉन्ड बनाएंगे और ये दो लोन पेयर बच गए। तो देख सकते हो कि यहां मेरे पास दो लोन पेयर हैं और दो क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो यहां मेरे पास देखो इसका, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, मैंने कहा लोन पेयर काउंट करने हैं हाइब्रिडाइजेशन में नेगेटिव चार्ज और सिग्मा बॉन्ड। अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां देखो ये मेरे पास, यहां कोई रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है कोई लोन पेयर, तो यहां मैं कहूंगा एक तो मेरे पास ये लोन पेयर होगा, एक ये लोन पेयर और दो ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां टोटल कितने होंगे, चार, तो एक एस रहा होगा, तीन पी रहे होंगे, तो मैं क्या कहूंगा sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, sp3। और इसका ये लोन पेयर होगा, ये क्या कहेंगे, लोकलाइज लोन पेयर कहोगे, इसके क्या कहोगे, लोकलाइज लोन पेयर। बताओ क्या ये इसे पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे कि इंक्लूड करोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना है। मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन कब देना है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को, जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन भी उस लोन पेयर को कह सकते हो, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लोन पेयर तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां इसका घर कौन सा होगा, इसका घर कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड, दोनों का ही क्या होगा, sp3 हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इनका घर कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस केसेस की अगर मैं बात करूं तो इस केसेस की अगर मैं बात करूं, यहां बना देता हूं भाई, इस केसेस की अगर मैं बात करूं तो इसके पास भी दो लोन पेयर होंगे। तो यहां से अगर मैं, मुझे पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा इसमें है ये 2s क्या होगा और ये क्या होगा, इसका 2p होगा, ये 2p हो जाएगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट आ गई। ठीक है, अब हम इसको एक्साइट करवाएंगे और उसके बाद क्या होती है, मिक्सिंग होगी। तो यहां से अब अगर मेरे पास ये लोन पेयर देखो, यहां से ये मिक्सिंग होगी तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मिक्सिंग होगी तो, बट अगर मेरे पास ये, मेरे पास लोन पेयर क्या है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया तो यहां क्या है, पी ऑर्बिटल है। यहां पर क्या है भाई, देखो इधर ध्यान दो, ये मेरे पास क्या बना हुआ है, यहां पी ऑर्बिटल बना हुआ है, ये आपका क्या बना हुआ है, पी ऑर्बिटल। तो देखो यहां ये पी ऑर्बिटल है डबल बॉन्ड के, ये पी ऑर्बिटल बने हुए। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर, अगर दोनों के दोनों ही लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो ये प्लेन, ये तो क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल। और अगर इस लोन पेयर के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले गए तो इनका प्लेन मैच नहीं कर पाएगा, प्लेन सेम प्लेन में नहीं हो पाएंगे, सेम प्लेन मतलब थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी। थर्ड कंडीशन क्या था, पी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम प्लेन, मतलब दोनों पी ऑर्बिटल जो होंगे, जो भी ओवरलैप कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। और अगर ये लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिस, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है दोनों लोन पेयर, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, तो वो सेम मैच नहीं हो पाएंगे, मैच नहीं होंगे तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहां रेजोनेंस करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो लोन पेयर होगा उसको किस में लेके आओगे भाई, पी ऑर्बिटल में लेके आओगे। तो यहां एक लोन पेयर को आएगा पी ऑर्बिटल में, मतलब जो ये आपका बना है गलत बना हुआ है, तो यहां से क्या करोगे, एक को तो आपको प्योर पी ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा और तीन को क्या कर दोगे, इंटरमिक्सिंग कर दोगे। ये आपको एक ये पी ऑर्बिटल होगा और ये क्या बन जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो, आपको कि सर एक को ही पी ऑर्बिटल के अंदर क्यों लेके आए, भाई देखो अगर दोनों पी ऑर्बिटल में आएंगे, मान लो मेरे पास ये, मान लेता हूं हाइपोथेटिकल कि ये पी जेड ऑर्बिटल में है, ये जो आपके पास जो पाई बॉन्ड बना हुआ है किसमें है, पी जेड ऑर्बिटल से बना हुआ है, पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो इस लोन पेयर अगर रेजोनेंस करना है तो इसको भी, इस लोन पेयर को भी किस में आना पड़ेगा, पी जेड में ही आना पड़ेगा। इस लोन पेयर को भी किस में आना पड़ेगा भाई, पी जेड में ही आना पड़ेगा। अब देखो अगर मेरे पास दूसरा लोन पेयर की बात करता हूं, दूसरा लोन पेयर क्या है, दूसरा लोन पेयर क्या अब ये पी जेड में आ सकता है, दूसरा लोन पेयर क्या पी जेड में आ सकता है, दूसरा लोन पेयर पी जेड में नहीं आ सकता है, क्योंकि पी जेड में ऑलरेडी एक लोन पेयर पहले से ही ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इस लोन पेयर को या तो पीएक्स में होना पड़ेगा या पीवाई में होना पड़ेगा, और पीएक्स पीवाई क्या होते हैं, पीजेड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब यहां क्या हो जाएगा, इन इसका और इसका क्या हो जाएगा, दूसरे जो लोन पेयर होगा उनका ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल होगा वो एक प्लेन में नहीं रहेंगे, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या आप करना पड़ेगा, यहां से ये दूसरे ऑर्बिटल या तो पीएक्स में रहना पड़ेगा या पीवाई में, और पीएक्स पीवाई में जाता है तो उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस तो एक लोन पेयर कर नहीं पाएगा। तो यहां आपका ध्यान रखना है भाई, ऑक्सीजन के पास दो ही लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, पर रेजोनेंस एक ही लोन पेयर करेगा,
रेजोनेंस एक लोन पेयर, तो इसका एक जो लोन पेयर होगा वो तो किस में रहेगा प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल में रहेगा, पी ऑर्बिटल में, और बचा हुआ दूसरा लोन पेयर किस में रहना पड़ेगा इसको, इसका घर कौन सा होगा, एक लोन पेयर का तो क्या होगा पी ऑर्बिटल, और दूसरे लोन पेयर का घर कौन सा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दूसरे लोन पेयर का घर कौन सा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस नहीं करेगा तो हमें कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो दो तो सिग्मा एक लोन पेयर तो तीन हो गए, तो एक एस रहा होगा, दो पी मतलब एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कहोगे इसको, तो इसका घर कौन सा हो जाएगा एक लोन पेयर का तो क्या हो जाएगा भाई एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरे लोन पेयर का पी ऑर्बिटल घर हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहां से हमें एक चीज पता। अब इसमें से एक लोन पेयर क्या है लोकलाइज डीलोकलाइज ये बात कर सकते हो, तो देखो इसमें से अगर तुम्हें कह दिया जाए कि बताओ इसमें से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताओ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यही आपके पास एग्जांपल दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ इसमें से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास देखो ये पाई बॉन्ड है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर देखना है कि लोन पेयर मेरे पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कितने होंगे, तो देखो इसका एक लोन पेयर ही रेजोनेंस कर सकता है, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ही रेजोनेंस कर रहा है, तो मैंने कहा जो भी लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसी को ही हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट नहीं करते हैं, तो यहां से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, अगर एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो ओनली फॉर एक ही लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो यहां दो तो पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन और एक आपका लोन पेयर काउंट, तो टोटल यहां पाई बॉन्ड कितने हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपके पास एक दो एग्जांपल्स की भी बात कर लेता हूं भाई, जैसे आपको कह दिया जाए इसमें जैसे ये कंपाउंड दे दिया जाए और एक आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, इसमें से इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑक्सीजन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, साथ में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं, साथ में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, तो दूसरा यहां मेरे पास एक और एग्जांपल लिख देता हूं, इसमें बताना है भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर इन सभी क्वेश्चंस का, बताओ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसके, इंडिकेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन एंड आल्सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये फाइंड आउट करना आपको, ठीक है, तो फटाफट करो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो इन केसेस, इन तीनों केसेस के अंदर भी, तो यहां इन दोनों के अंदर तो यहां मेरे पास क्या होगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन वो काउंट करने हैं और यहां हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं, ये भी इसमें काउंट करना है कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है कौन सा डीलोकलाइज है, उसका घर भी काउंट करना है कि उस लोन पेयर का घर कौन सा होगा, ये भी काउंट करो, फटाफट करो भाई इनका क्वेश्चंस का, सभी का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो और नंबर ऑफ लोन पेयर ना इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये नाइट्रोजन है भाई, ठीक है, तो फटाफट बताओ इसका, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, इसको वन कर रहा हूं, इसको टू कर रहा हूं, इसको थ्री और इसको फोर, आपको बताना है इसमें से नंबर ऑफ इंडिकेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑल्सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका घर भी बताना है कि कौन सा हुआ है,
अक्स पूछा है सर, अगर फोर्थ में एक अगर पी एक्स में होगा और अगला अगर पी वाई में हो तो क्या होगा? भाई एक अगर पी एक्स में हो गया, दूसरा पी वाई में कैसे हो सकता है? खुद सोच के देखे, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो खुद सोच के देख अक्स कि मेरे पास जैसे ये एल्कीन दी हुई है, ठीक है, ये एल्कीन दी हुई है, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो खुद सोच के देख अगर इनके दोनों के बीच में पी ऑर्बिटल, यहाँ मेरे पास पाई बॉन्ड बना होगा तो ये दो पी ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, ये दो पी ऑर्बिटल मिक्स कब होंगे, कब ओवरलैप करेंगे, जब दोनों के दोनों सेम प्लेन में रहे होंगे तभी मिक्सिंग पॉसिबल है, तभी ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में पॉसिबल होगी। जब ये भी मान लो मेरे पास अगर ये पी एक्स में है तो इसको भी पी एक्स में रहेगा तो ही इन दोनों के बीच में पॉसिबल होगा, अगर ये मान लो पी वाई में है तो भाई को इसमें ओवरलैप पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है क्योंकि अपोजिट प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पी एक्स में ही रहना पड़ेगा या दोनों दोनों पी वाई में रहना पड़ेगा, दोनों दोनों को पी जेड में ही रहना पड़ेगा, ओके अक्ष, ठीक है। तीन एग्जांपल में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तीन एग्जांपल में तीन एग्जांपल तीन कौन सा है भाई, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, हाँ कौन सा है भाई तीन एग्जांपल, मुझे तो ये नहीं पता, एक बार बता दे रिचना ओसीन खान कौन सी की बात कर रहे हैं भाई, एक बार ज्योति सर वीडियो नहीं चल रही है, ज्योति एक बार ऑफ करके वापिस उसको रिफ्रेश कर ले चल जाएगी, जफ अक्कल देवेश रेजोनेंस, यहाँ आपका कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो हाईली स्टेबल कर देता है उस कंपाउंड को, ड्यू टू वहां क्या हो जाता है क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दोस्त दोनों का एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है देवेश। तो यहां आपका रेजोनेंस में कोई भी लोन पर पहले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ठीक है, अगर रेजोनेंस नहीं मिल रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है भाई, एक बार फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका, इन सभी का आंसर बताओ भाई, देखो इधर ध्यान दो भाई, फर्स्ट sp2 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरी की sp3, ऐसे सर मेरा आंसर सही है, सौरभ सौरभ कौन से आंसर की बात कर रहा है भाई, मुझे देखो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा था, सौरभ एक बार वापस रिपीट कर दे, ओसीन खान वन में sp2 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, sp3 नो पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन, sp3 नो पाई इलेक्ट्रॉन, थर्ड में sp2, बहुत सारा मैसेज कर रखा है भाई, मैं एक बार बता देता हूँ, मैच कर लेना जिसका भी जो भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहला मैंने कहा आपको हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका लोन पेयर, देखो लोन पेयर अगर मेरे पास यहाँ क्या है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ओनली एक, तो उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे, तो एक लोन पेयर बच गया और दो सिग्मा बॉन्ड, तो एक रेस रहा होगा दो पी रहे होंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है जो भी लोन पेयर, तो पी ऑर्बिटल में होगा, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स और दो पाई इलेक्ट्रॉन ये होंगे जो रेजोनेंस करेंगे, तो यहां टोटल कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, टोटल कितने होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लोन पेयर होगा रेजोनेंस कर ही नहीं रहा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं तो देखो यहां इसका कोई दोनों में से कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों ही लोन पेयर किस में रहे होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे होंगे, तो यहां दो तो लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड, तो यहां एक एस रहा होगा तीन पी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो भाई देखो भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड बना रहे, तो पाई बॉन्ड जितने भी होंगे तो उसके तो पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे ही, ये लोन पेयर थोड़ी ना पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो कब पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा जब वो रेजोनेंस करेगा, पर ये तो पाई बॉन्ड, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ये तो पाई बॉन्ड बना हुआ है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, तो यहां कितने होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे आप इसको,
इसको क्या कहोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इसकी, तो मैं कहूंगा इसका एक लोन पेयर जो है रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर रेजोनेंस, तो इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो ये पी ऑर्बिटल में रहेगा, और दूसरा जो लोन पेयर होगा ये मेरे पास क्या रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो कौन सा हाइब्रिड बनेगा, तो देखो एक तो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या रहा होगा, एक एस और दो पी, एस पी टू बन गया होगा, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड है, और एक आपका हाइब्रिड का लोन पेयर है, ठीक है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, तो देखो सिक्स तो ये पाई बॉन्ड हो गए, सिक्स तो ये पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड है, तो उसमें से एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल, सिक्स प्लस दो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो टोटल यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब मैं इसकी बात करता हूं यहाँ इस ऑक्सीजन की, तो यहां मेरे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका ऑक्सीजन का कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो यहाँ इसका हाइब्रिड दो तो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है लोन पेयर, तो इसका एक एस रहा होगा, तीन पी रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड। अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड भी नहीं है और ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे नहीं क्योंकि रेजोनेंस कर नहीं रहे, तो यहां जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएंगे, जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसकी मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बात करूं तो मैं कहूंगा इसका एक लोन पेयर तो क्या कर रहा होगा भाई, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा, तो ये तो ये लोन पेयर किसमें रहा होगा, पी ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर तो कोई भी एक लोन पेयर हो सकता है पी ऑर्बिटल में, तो दूसरा किसमें, हाइब्रिड में, तो हमें दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक ये लोन पेयर हो गया, तो तीन हो गए, तो एक एस और दो पी, तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एसपी टू रहेगा, एसपी टू, तो इसमें से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, तो देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन तो ये है, दो यहां से रेजोनेंस करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसकी बात करूं तो यहां से मेरे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो इसका हाइब्रिड लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे, तो किसमें रहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, चार चार, तो एक एस और तीन पी रहे होंगे, तो एसपी थ्री। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने हैं, दो ओनली फॉर दो, ये तो इनमें से कोई भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इनका कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने हो जाएंगे, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा देखो ये नाइट्रोजन मेरे पास इसका लोन पेयर क्या नहीं है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा है, तो मैं इसको किसमें इंक्लूड करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका एक लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी टू, सेम इसके साथ हो जाएगी एसपी टू। इसकी बात करें तो इसका एक लोन पेयर, तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो तो पी ऑर्बिटल में रहेगा, और दूसरा जो लोन पेयर रहेगा वो किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो उसको हाइब्रिड एक लोन पेयर काउंट करेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने बचे, तीन, तो एक एस और दो पी रहे होंगे, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बात करूंगा तो इसका लोन पेयर यहां मेरे पास रेजोनेंस नहीं करेगा, कौन करेगा, पाई बॉन्ड है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं करेगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, तो यहां मेरे पास क्या हो गया, दो तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो तीन हो गए, तो एक एस रहा होगा, दो पी रहे होंगे, एसपी टू। इस ऑक्सीजन की बात भी रहेगी तो सेम यही होगा, यहां अगर कह दिया जाए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो मैंने कहा जो लोन पेयर रेजोनेंस में इंक्लूड है उसी को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, जिसके पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, उसको तो पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड है, दो को तो आप क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन है ही, चार इलेक्ट्रॉन है। अब इनके लोन पेयर चेक करने की, भाई लोन पेयर मेरे पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, तो देखो इसका लोन पेयर भी हम रेजोनेंस नहीं कर रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, बट इसका एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो इसके एक लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स, तो इसके सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इसमें भी दो पाई बॉन्ड तो चार हो गए, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितने, चार, और इसका एक लोन पेयर, इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा था तो सिक्स हो गए, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है नाइट्रोजन वाला, तो यहां टोटल यहां पर भी कितने आ गए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। इसकी बात करूंगा तो देखो यहां तीन पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है, तो ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और इसका ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा, तो रेजोनेंस कर रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करें, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एट पाई इलेक्ट्रॉन। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन के पास है,
यहाँ इसका इस नाइट्रोजन का जो लोन पे रही है हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट ना किसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा तो ये किसमें रहा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो हम क्या आएंगे दो तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पर है sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, इसका भी सेम होगा एक लोन पर रेजोनेंस कर रहा है पर दूसरा नहीं कर रहा है तो दूसरे लोन पर हम किसमें इंक्लूड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसके दो तो सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक लोन पर, तो इसका भी एक s रहा होगा दो p रहे होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। बताओ समझ में आ गया क्या, जिसका भी ये आंसर है उसके करेक्ट है ठीक है। ओके सर अगर कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तब सर अगर एक बार पीएक्स में हो और अगला अगर पीवाई में हो तो क्या होगा, अक्सर पाई पाई बॉन्ड के रेजोनेंस है मैं बताऊं आगे आएगा ठीक है भाई, तो एक पीएक्स में रहेगा दूसरा पीवाई में रहेगा तो नहीं हो पाएगी रेजोनेंस ठीक है, जो आप तो अक्स लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ये बना रखा है तो ये पाई पाई बॉन्ड रेजोनेंस है ठीक है, पाई पाई रेजोनेंस है तो इसका पी ऑर्बिटल अगर ये पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल सभी के सभी सेम प्लेन में ही रहेंगे तभी रेजोनेंस होता है, अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल पीएक्स में है ये दोनों को भी पीएक्स में ही रहना पड़ेगा ठीक है तभी रेजोनेंस होगा तभी ये इजीली यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अगर ये पीवाई में हो गया तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा ठीक है। अक्स तो रेजोनेंस अक्स नहीं कर पाएगा अगर एक पीवाई पीएक्स में दूसरा पीवाई में तो नहीं कर पाएगा। गुड मरियम शाश्वत तेजपाल इधर ध्यान दे, देखे तूने कहा है कि सर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड सी है तो तूने कहा है कि ये लोन पे रेजोनेंस क्यों नहीं करता है, भाई तू खुद देख इधर देख यहां मेरे पास ये नाइट्रोजन है ये कार्बन है ये नाइट्रोजन है ये कार्बन है इसका पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है ठीक है। अब देख अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पी जेड ऑर्बिटल में है ठीक है तो इसका ये PZ में होगा तो यहां से मेरे पास इन ये भी क्या कर रहे होंगे देख इधर देख यहां से तो ये मेरे पास क्या रहा होगा इसका जो लोन पेयर होगा वो PZ में तो नहीं रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां इसने पाई बॉन्ड कर रखा है PZ में ठीक है तो इसका या तो PX में लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन का या PY के अंदर रहेगा या तो मेरा क्या रहेगा PX में रहेगा या PY में रहेगा और ये जिसमें ये किसमें होंगे ये भी PZ में होंगे तो ये PZ में होंगे और ये इसका लोन पेयर क्योंकि PZ में ऑलरेडी एक P ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है तो दो तो कर नहीं सकते तो इसका इस जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रहेगा वो किसमें रहना रहेगा या तो PX में रहेगा या PY में रहेगा या PX में या PY में और PX PY में अगर ये लोन पेयर रहेगा तो बताओ क्या इस कार्बन के ये इस PZ के साथ ओवरलैपिंग कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है थर्ड कंडीशन कहा था पी ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम प्लेन में नहीं है एक इसका प्लेन डिफरेंट है ठीक है तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है वो परफेक्ट रेजोनेंस होता है तो पहले पाई बॉन्ड के साथ अप्रोच करना पसंद करता है ठीक है। ठीक है शाश्वत तेजपाल सर फोर्थ का नाइट्रोजन वाला फिर समझाना कस फोर्थ का नाइट्रोजन वाला भाई यार नाइट्रोजन कई सारे लिखे हैं कौन से नाइट्रोजन का एक्स कौन सा नाइट्रोजन देखो जिसका जिसका जो डाउट है उसी का ही पूछना है भाई ऐसे नहीं करना है क्योंकि टाइम वेस्टेज होता है ठीक है जो डाउट परफेक्ट डाउट है उसी को ही पूछना ऐसे नहीं है आप एडवांस मत पूछ मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा पूरी ठीक है आप ये मत पूछो सर वहां का बता दो ये वहां का बता दो ऐसा नहीं चलेगा भाई जो पढ़ा रहा हूं उतना ही बताना है उससे आगे आएंगे वो सारी कॉन्सेप्ट ठीक है। सर फोर्थ क्वेश्चन में नाइट्रोजन रेजोनेंस क्यों नहीं कर रहा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये नाइट्रोजन रेजोनेंस क्यों भाई अभी तो समझाया है ये यही ये सारी चीजें यही तो अभी तो समझाई ये लिखी देख
अक्स ये लिख रखी, ठीक है। अरे रोहित, हक्कल रूल का नाम मैं कहाँ ले दिया मेरे भाई, क्यों तू पागल हो रहा है? हक्कल रूल की मैं कहीं जिक्र क्या एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा हूँ क्या? हक्कल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है? मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूँ, वो आएगा तब मैं पढ़ा दूंगा रोहित, ठीक है, टेंशन ना ले तू। पहले एरोमेटिसिटी सीख ले रोहित, उसके बाद समझ जाएगा हक्कल रूल क्या होता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा फिनोल हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। पहले तुझे आती नहीं हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल की कंडीशन नहीं पता तुझे क्या कहता है हक्कल रूल, ठीक है। सौरभ, फोर्थ का फर्स्ट वाला नाइट्रोजन, फोर्थ का फर्स्ट वाला नाइट्रोजन, देख फोर्थ का फर्स्ट वाला नाइट्रोजन ये समझा रखा भाई, एक्सप्लेन किया है अभी, दूसरे प्लेन में रहेगा क्योंकि उसका एक ही पी ऑर्बिटल तो प्लेन में आ सकता है, वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल है ही प्लेन में, तो इस लोन पेयर को क्या रहने पड़ेगा, दूसरे प्लेन में रहना पड़ेगा, और दूसरे प्लेन में रहेगा तो इस पी ऑर्बिटल के साथ यहाँ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, मतलब रेजोनेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। रोहित, हक्कल रूल नहीं पता है भाई तुझे, हक्कल रूल समझाना पड़ेगा जब एरोमेटिसिटी आएगी तब तब समझ जाएगा भाई हक्कल रूल फिनोल क्या कहता है, फिनोल पाई इलेक्ट्रॉन किसको हक्कल रूल को फॉलो करता है नहीं करता है, फिर तू खुद बताएगा, ठीक है। एक दिन मैं पूछूंगा जिस दिन एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, जब याद रखूंगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो देखो इसी टाइप से, अब यहां देखो, यहां मेरे पास अब नाइट्रोजन लिया है तो नाइट्रोजन की जगह मैं फास्फोरस ले लूंगा तो सेम कहानी होगी, इधर ध्यान दो भाई। अब देखो मैंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन ले लिया मैंने, अब इसी को ही मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी चीज को ही ध्यान से समझना है ये सारी बातें। अब मैं इसी नाइट्रोजन की जगह में उसका क्या ले रहा हूं, उसी की फैमिली का दूसरा लेके आ रहा हूं फास्फोरस, उसी की फैमिली का फास्फोरस ले आया हूं, फास्फोरस ले आया हूं। तो देखो यहां मेरे पास नाइट्रोजन, इसका जो लोन पेयर था ये कहां प्रेजेंट था भाई, कहां प्रेजेंट था, ये लोकलाइज है डीलोकलाइज, तो डीलोकलाइज क्या कहोगे, डीलोकलाइज, और डीलोकलाइज का अगर कोई लोन पेयर होता है तो उसी को ही पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उसी को ही क्या नाम देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका इस लोन पेयर का ऑर्बिटल किस में रहेगा, तो पी ऑर्बिटल के अंदर, पर कौन सा पी ऑर्बिटल रहेगा, टू पी ऑर्बिटल, कौन सा, सेकंड पीरियड का है तो सेकंड टू पी ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, ठीक है। यहां अगर मेरे पास यहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो दो लोन पेयर रेजोनेंस करा तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, दो पाई बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बातें तो चार, अब यहां से अब इसमें फॉस्फोरस में सेम कहानी हो जाएगी भाई, ये लोन पेयर लोकलाइज होगा डीलोकलाइज, तो मैं कहूंगा डीलोकलाइज, ठीक है। इसका लोन पेयर भी, इसका घर कौन सा होगा, यहाँ टू पी ऑर्बिटल में था, पर फास्फोरस कौन सी में आता है, थर्ड पीरियड का है, तो थ्री पी ऑर्बिटल में रहेगा, ये किस में रहेगा, थ्री पी ऑर्बिटल में। अब यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि बिल्कुल डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसको काउंट करेंगे, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन के साथ कहानी हो जाएगी, ऑक्सीजन की फैमिली के साथ, तो यहां उसकी नाइट्रोजन की फैमिली के साथ जैसा नाइट्रोजन के साथ बिहेव हुआ है सेम वैसा ही उसकी फैमिली के साथ हो जाएगा। तो देखो यहां मेरे पास इसमें ये मेरे पास बना है तो इसका फास्फोरस की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, सल्फर ले, ऑक्सीजन की जगह क्या ले रहा हूँ, अब सल्फर ले लिया इसी की फैमिली का। तो जैसा इसके साथ मान लो इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर रेजोनेंस, एक लोन पेयर किसमें होता है, पी ऑर्बिटल में, कौन से पी ऑर्बिटल, टू पी ऑर्बिटल में, पर इसका एक लोन पेयर किसमें रहेगा, वो थ्री पी ऑर्बिटल में रहेगा जो रेजोनेंस करेगा, और एक लोन पेयर किसमें रहेगा, एसपी टू हाइब्रिड में, तो यहां पर भी एक लोन पेयर एसपी टू हाइब्रिड में रहेगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू था, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, यहाँ इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, इसका भी लोन पेयर एक लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसका भी एक लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बस कुछ चेंज नहीं करना, ये सेकंड पीरियड में था तो इसे 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर रहना पसंद करेगा, इसमें 3p ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। तो इसी को आप इसकी फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, अब हम सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने कहा सिक्स टाइप हमें पढ़ने, तो सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप कौन सा होगा, बिल्कुल एक जैसा ही होगा जो अभी तक मैंने पिछली क्लास से लेके अब तक फर्स्ट टाइप पढ़ा है, सेकंड टाइप उसी का बस सेम काम होगा। अब लोन पेयर की जगह बस मैं क्या लेऊंगा, नेगेटिव चार्ज लेऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव पाई रेजोनेंस की कहानी होगी, ये किसकी कहानी होगी भाई, नेगेटिव पाई बॉन्ड की रेजोनेंस की कहानी, मतलब एक नेगेटिव चार्ज रहेगा और एक आपका पाई बॉन्ड रहेगा। अभी तक किसकी कहानी पढ़ रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव ना सॉरी पाई बॉन्ड की और लोन पेयर की, अब मैं कहानी पढ़ूंगा नेगेटिव और पाई बॉन्ड, बस लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सेम वही कहानी बननी है,
जैसा लोन पेयर के साथ हुआ था वैसा ही नेगेटिव चार्ज के साथ होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मेरे पास ये कार्बन ये दे रखा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां मेरे पास ये नाइट्रोजन है। तो मैंने कहा जो लोन पेयर के साथ कहानी हुई थी सेम नेगेटिव चार्ज के साथ वही कहानी होगी। जैसे इसका लोन पेयर यहां, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp3 कहोगे, तो एक s और तीन p कहोगे, sp3 कहोगे। सेम इसमें भी कि इसका बस लोन पेयर की जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें भी तीन सिग्मा बॉन्ड है एक नेगेटिव चार्ज, टोटल कितने हो गए, चार हो गए। तो इसमें एक s रहा होगा, तीन p रहेंगे, तो sp3 बन जाएगा। ऐसे यहां अगर मेरे पास इस टाइप का सिस्टम आ जाता है, ये बन गया सेम इसके साथ जैसी कहानी थी, ये बस कार्बन आयन की स्टोरी होती है। ये किसकी होती है, यहाँ यार लोन पेयर की स्टोरी। लोन पेयर जब होता है तो उसमें बेसिसिटी की बात होती है, जब कार्बन आयन होता है तो उसमें स्टेबिलिटी की बात हो जाती है कार्बन आयन की, बस यही डिफरेंस होता है। जैसे इसका लोन पेयर, यहाँ इसका घर कौन सा था, इसका घर, यहाँ इसका घर कौन सा था, sp3 हाइब्रिड था। सेम इसमें भी यहाँ इसका भी sp3 हाइब्रिड था। तो इसका लोन पेयर अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस करेगा तो इसका घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। इसका घर कौन सा होगा भाई, पी ऑर्बिटल। सेम ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो इस नेगेटिव चार्ज का भी घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल रहेगा। इसका भी घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। इस नेगेटिव चार्ज का भी घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। अब देखो यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, तो यहां तीन सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, बट नेगेटिव चार्ज कहां है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है भाई, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करेगा तो इसका ये नेगेटिव चार्ज किसमें, पी ऑर्बिटल में, तो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो तीन ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो एक एस और दो पी, sp2। इसमें भी यहाँ तीन सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर पर, लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो एक एस और दो पी। सेम वही है जो आपका लोन पेयर का कहानी थी, वही आपकी कार्बन आयन की कहानी है, बस कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दे दिया जाए, बस मैंने कहा वहां बेसिसिटी की बात होती है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात होती है, यहाँ किसकी बात होगी, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आपको जैसे कह दिया जाए कि भाई ये मेरे पास ये दे रखा है, यहां कार्बन आयन बना दिया, यहां ये नेगेटिव चार्ज, इसमें कह दिया जाए सबसे पहले तो इन दोनों में स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बतानी है, एंड सेकंड क्या करना है, इंडिकेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन आयन, इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करता है तो चार्ज डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है कार्बन आयन को। तो मैं कहूंगा इस ये क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो चार्ज डिस्पर्स नहीं होगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैं कहूंगा इसका ये लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो आपके पास यहां रेजोनेंस कर रहा है तो ये क्या रहेगा, प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा, पी ऑर्बिटल में रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस नहीं कर रहा तो ये किस में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो भाई दो तो सिग्मा बॉन्ड ये रहे, एक इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करके दिखाया नहीं जाता, वो खुद सोचना पड़ता है कि कार्बन की वैलेंसी चार है तो हाइड्रोजन भी है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस और दो पी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। इसकी बात करेंगे तो यहां देखो तीन, दो सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो तीन सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये किस में रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पूछ ले इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ भाई, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो दो तो पाई इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये दो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस कर रहा है तो उसको आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, और अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है लोन पेयर तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करोगे। तो ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो ये और चार ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे,
सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहां मैं बात करूंगा तो यहां कोई भी रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, बट ये पाई बॉन्ड जितने भी होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहां टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस पाई इलेक्ट्रॉन तो है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं यहां से, कि आपको कह दिया जाए कि भाई ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी बतानी है। इन दोनों के अंदर की स्टेबिलिटी बतानी है कौन होगा, और इनका हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। तो यहां पर इसके स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरा रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो ये मेरा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन, यहाँ ये कार्बन आयन लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर इसकी जगह लोन पेयर होता तो लोन पेयर में बेसिसिटी की बात करते हम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, बेसिसिटी बात। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर पर लोन पेयर, यहां एक नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, sp2 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर हम नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे, बट इसका नेगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज, 4 हो गए, तो 1s और 3 p रहे होंगे, 1s और 3 p रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा जाएगा कि आपके कहेगा कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताओ, और इसमें इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन आयन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का अगर हमें उसे चेक करना पड़ेगा भाई इसमें कितने, सबसे पहले इसमें यहां से देखो नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ बताओ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर नहीं रहा है तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी में तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज, यहाँ आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उस लोन पेयर का घर कौन सा होगा भाई, पी ऑर्बिटल होगा। तो ये लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज तो किसमें रहेगा, पी ऑर्बिटल में रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ये किसमें रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो 1s रहा होगा, 3p रहे होंगे, इसमें ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है तो इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड है पर हम नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां रेजोनेंस कर चुका है, p और p ऑर्बिटल के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1s और 2p हो जाएंगे, sp2 हो जाएगा, ठीक है, ये sp2। अब ये मेरे पास लोन पेयर देख रहा है डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस कर रहा है तो उसे डीलोकलाइज लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कहेंगे, अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो उसे लोकलाइज नेगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज किसमें क्या इंक्लूड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर रेजोनेंस कर रहा है तो हाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बट इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, ठीक है। बताओ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछो भाई, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछो। इसके साथ ही कोई और अंकित अभी बताता हूं कौन सा कार्बन है, sp2 होगा, ठीक है। लास्ट वाले में केस टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, जो आपका कार्बोनिल वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ
मुस्कान एक पाई एक नेगेटिव चार्ज में दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। मुस्कान लोन पेयर जैसा ही होता है, बस उसको चार्ज बोल देते हैं, लोन पेयर को न्यूट्रल बोल देते हैं, ठीक है मुस्कान। तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दो अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तभी तो पाई बॉन्ड बनाएगा वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। अगर रेजोनेंस किया ही नहीं तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है मुस्कान, लास्ट वन। तो इसमें बस दो पाई इलेक्ट्रॉन ये इसके, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इसको नहीं करोगे इंक्लूड, ठीक है पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर। आप देखो इधर ध्यान दो भाई, फटाफट देखो। देखो जैसे मेरे पास नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था और यहां आपके पास उसका लोन पेयर था, ठीक है। ये केस की मैं बात करूं, ठीक है। इस केस में अगर मैं बात करता हूं, एक मैं केस अब क्या ले रहा हूं इसी का, दूसरा सेम केस यहां मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर कार्बन आयन रख देता हूं, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया कार्बन आयन रख दिया। तो बताओ ये एक एज इट इज वैसा ही है जैसा आपने लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा था, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा था। इसका ये लोन पेयर क्या था, लोकलाइज लोन पेयर था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका ये नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, लोकलाइज होगा, लोकलाइज लोन पेयर ही होगा। ये भी लोकलाइज, ये भी। इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहां से कितने सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक क्या हो गया यहां आपके पास लोन पेयर होगा, तो टोटल कितने हो गए तीन, तीन हो गए। तो एक एस रहा होगा, दो पी रहे होंगे, तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन कहोगे इसको। इसमें भी सेम कहानी की दो सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज, टोटल कितने हो गए तीन, तो एक एस रहा होगा, दो पी रहे होंगे, तो ये भी sp2 रह गया होगा। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इसमें भी दो होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दो ही होंगे, ठीक है। तो ये बातें सेम कहानी, जैसे आपको कह दिया जाए कि भाई बताओ इसके अंदर, जैसे पीरिडीन का केस था, जैसे पीरिडीन का केस था, और मैं यहां अब क्या कर देता हूं इस बेंजीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। कहा जाए कि बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस नाइट्रोजन का और इस कार्बन आयन का, और दूसरी चीज यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए जाए तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज है, या पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे या नहीं कहेंगे, सारी बातें। तो देखो इसका ये लोन पेयर हमें पता है रेजोनेंस नहीं कर रहा है, मतलब क्या है लोकलाइज है, लोकलाइज लोन पेयर है, और लोकलाइज लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे। टोटल यहाँ तीन पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड होंगे तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होंगे सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कहोगे इसके अंदर। इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहोगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करेंगे। हाइब्रिड दो दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए तीन, तो एक एस रहा होगा, दो पी रहेंगे, तो एसपी टू हो गया। सेम कहानी इसके साथ हो जाएगी कि भाई इसका ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, बस लोन पेयर की जगह क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या होगा लोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे क्योंकि वो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तीन पाई बॉन्ड है तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे क्योंकि तीन पाई, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो तीन में छह हो गए, ठीक है। तो यहां से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो हाइब्रिडाइज कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो मैं कहूंगा दो तो सिग्मा बॉन्ड यहां कितने हैं और एक आपके पास क्या है भाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या होगा इसका एक एस रहा होगा, दो पी, तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, सेम एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। बस ये लोन पेयर होता है तो यहां इसकी बेसिसिटी की बात चलती है, इसमें बात करेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी की बात हो जाती है, बस इतना डिफरेंस होता है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल की बात बता देता हूं यहां, जैसे ये मेरे पास सिंपली यहां से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बन की जगह मैं यहां नाइट्रोजन बना देता हूं, ठीक है। ऐसे ही सेम यहां पर मेरे पास यही सेम रिंग में यहां नेगेटिव चार्ज बना दिया और यहां ये CH2 नेगेटिव चार्ज बना दिया। इन दोनों में चेक करें कि इसमें तो बताओ इन दोनों में चेक किया जाए कि बताओ कौन सा कार्बन मोस्ट स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछ लेगा कि मेरा तो कार्बन आयन वन है या टू है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोनेट आयन कौन सा होगा, कार्बन आयन कौन सा होगा। तो मैं कहूंगा ये लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज होगा ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये आपका जो लोन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज होगा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा लेस स्टेबल। तो मैं कहूंगा जो मेरा कार्बन वन है वो कार्बन है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन नंबर है ये जो टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्यों, क्योंकि ये मेरा कार्बन वन है ये रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज, यहां नेगेटिव चार्ज ये लोकलाइज है रेजोनेंस नहीं कर रहा है,
लोकलाइज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो आपका ये स्टेबलाइज कम होगा एज कंपेयर टू वन के। अब इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये तीन पाई बॉन्ड तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, पर साथ में ये नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की ही कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां 6+2 टोटल कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। यहां पर भी बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे क्योंकि यहां इसका भी लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो यहां 6 ये और 2 ये टोटल कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने हो गए भाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर पर, लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये किस में रहेगा, पी ऑर्बिटल में रहेगा। सेम काम ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये भी पी ऑर्बिटल में रहेगा। यहां ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो 3 हो गए, तो ये कैसे रहा होगा, 2p, तो ये sp2 हाइब्रिड में रहा होगा। सेम इसमें भी ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये मेरा sp2 हाइब्रिड में रहा होगा। देखो देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं, पर भाई इनका घर भी अलग अलग है, देख सकते हो इनकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग है, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 है और इसका भी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। ये डिलोकलाइज लोन पे नेगेटिव चार्ज है, ये लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टाइप था, एज इट इज सेम है, बस डिफरेंस किस चीज का है कि अगर लोन पेयर होगा तो वहां बेसिसिटी की बात होगी या रेट ऑफ प्रोपेगेशन की बात होगी, अगर कार्बेनाइन होगा तो वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरे टाइप पर चलते हैं। तीसरा टाइप कौन सा आता है यहां पर, तीसरा टाइप आपका आता है लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या होगा तीसरा टाइप इसका, लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। भाई देखो इधर ध्यान दो भाई, सभी जितना भी जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर चल रहा हूं और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा उसको, नेट गेट लेवल तक, ताकि क्योंकि जीओसी जो होती है उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, जैम हो, नेट हो, गेट हो, कहीं की बात हो, जीओसी एज इट इज लगभग सेम ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो भी थोड़ा डिफरेंस होगा मैं बता दूंगा भाई, ये इससे ऊपर ये आपको पढ़ना है, ये नेट गेट में और एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। पर अगर जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं जीरो लेवल से स्टार्ट किया इसको, ठीक है, और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, नेट गेट लेवल तक का। तो आपको बस धीरे धीरे उस चीज को समझना है और फिर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाऊंगा और उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अभी तो क्या सिखा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा दूसरा जो चैप्टर, पहला मैंने सिखाऊंगा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्या करूंगा अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, ये आगे तक का काम है, पूरी ऑर्गेनिक इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, देख लो, ठीक है। तीसरा आता है लोन पेयर पाई वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। देखो लोन पेयर मतलब जैसे मेरे पास ए एटम है, इसके पास लोन पेयर है और इसके साथ एक बी एटम कनेक्ट है, ये इसके पास क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब ये बी जो है ये तो क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है, और ए है इसके पास ये क्या है लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा सिस्टम अगर मिलता है तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगा, लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस के अंदर। तो ये लोन पेयर किस किस के पास हो सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के पास हो सकते हैं, यहां मैं बात करूं कि लोन पेयर किसके पास, ऑक्सीजन फैमिली के पास, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह इस टाइप से, ठीक है, और आपके पास हेलोजन हो सकता है, हेलोजन फैमिली के पास, ठीक है, इन सभी की फैमिली के पास, इनके नीचे तक का, ठीक है, ये लोन पेयर। अगर मैं बात करूं वैकेंट पी ऑर्बिटल किस किस के पास होगा, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के आपके दो केस मिल सकते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका कार्बोकेटाइन, एक आपका कार्बोकेटाइन मिलेगा और दूसरा आपका मिलेगा बोरोन,
बोरोन, इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। कार्बेटाइन देखो इधर ध्यान दो, दोनों ही जो जिसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, कार्बेटाइन होगा। तो ये बेचारे के पास तीन तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक केटायन होगा, और केटायन क्या रिप्रेजेंट कराएगी, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल होगा। मैं इस टाइप से इसको बना देता हूं भाई, ये इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब इसके बोरोन की बात करूं तो बोरोन भी तीन है, मेरे पास तीन बॉन्ड बना के रखता है और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रखेगा। कैसे चेक करोगे बोरोन के पास पी ऑर्बिटल है, बोरोन की पूरी फैमिली के पास ही वैकेंट पी ऑर्बिटल तो होता है, कैसे चेक करोगे, जैसे मेरे पास बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है भाई, तो 5 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p1, यह होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमें पता है कि भाई इसमें आउटर मोस्ट चेक करते हैं, तो आउटर मोस्ट हमारे पास ये ऑर्बिटल होगा, ये 2s में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, वो px में भी हो सकता है, py में भी हो सकता है, pz में भी हो सकता है। ये मेरी ग्राउंड स्टेट आ गई। अब इसका एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो ये क्या कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा और p ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एक्साइट क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे तो चार ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये मेरे पास यहां देखो तो तीन तो बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड, और एक आपको देख सकते हो कि यहाँ ये पी ऑर्बिटल आपका वैकेंट है, तो एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है और तीन क्या है, सिग्मा बॉन्ड ये बना लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ये तीन सिग्मा बॉन्ड। देखो ये जो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, दोनों के दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम उसको कहते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, आठ इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में नहीं हो। यहां से काउंट करोगे तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी दो इलेक्ट्रॉन, टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां ये वैकेंट तो टोटल यहां कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी बात करें तो ये भी मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो में तीन सिग्मा बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इन दोनों में बस फर्क क्या होता है, ये पैदाइशी भिखारी होता है और ये अपने आप अपने कर्मों की वजह से भिखारी बन जाता है। ये कर्मों की वजह से कैसे भिखारी बना, ये कार्बन अच्छा खासा चार बॉन्ड बना लेता, अच्छा खासा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, पर जैसे ही कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हैलोजन्स के साथ जुड़ता है, तो हैलोजन्स बेचारे के साथ जुड़ता है, तो हैलोजन्स इसके साथ कर देता धोखा। धोखा कैसे करेगा कि यहां पहले तो जुड़ जाता है, दोनों कहेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं तो निकलना चाहता हूं यहां से, तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, और वो क्या करता है, ये खुद का तो लेके जाता है साथ में, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये किस फॉर्म में निकल जाता है, ये कार्बोकेटायन और आपका एक्स नेगेटिव बन जाता है। तो यहां ये बेचारा क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। तो ये अपने कर्मों की वजह से इसके साथ में ओवरलैप करके दुखी हो जाता है, अपने कर्मों की वजह से भिखारी बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये पैदाइशी भिखारी होता है। ये पैदाइशी भिखारी है कि इसके पास तो ये इसके पास तो है ही नहीं। तो ये जो बोरोन फैमिली होती है, जनरली मेन ग्रुप में पढ़ते हैं हम, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको आप इनऑर्गेनिक sp ब्लॉक बोलते हो, उसके अंदर पढ़ते हैं, याद करो बैक बॉन्डिंग पढ़ते हो, याद करो ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उसमें ये सारी बातें इंक्लूड होती है, सारी बातें बोरोन जैसे BH3 होता है, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये बेचारा, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसकी कहानी। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे क्या क्या होंगे इसमें, इतना बात तो होगी। अब देखो यहां हम पहले कार्बोकेटायन पढ़ेंगे, फिर बोरोन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के पास वैकेंट प्योर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास एक कंपाउंड ये दे रखा है और ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है। दूसरा मैं केस ले रहा हूं कि यहां मैं नाइट्रोजन रख देता हूं और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है। अब इन दोनों की कहानी की मैं बात करूं कि दोनों के अंदर होता क्या है, इस कैटायन के पास अगर काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव चार्ज, तो दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, एक सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, इसके पास गए तो इसके पास भी कहानी ऐसी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब ये क्या करता है, यहां से कोशिश करता है कि किसी तरह भी मेरे जो पड़ोसी है, अगर बेचारा गरीब है तो क्या करता है, पड़ोसी से हेल्प लेता है, अपने आस पड़ोस कोई अच्छा पड़ोसी होता है तो उसको पैसे वगैरह उधार दे देता है, ठीक है, गरीब होता है तो पैसे वगैरह उधार दे देता है, ठीक है ना। और दूसरा, यहां अगर मान लो कोई ऐसा पड़ोसी हो जाए तो देता ही नहीं हो, तो बेचारा दुखी रहेगा, गरीबी का गरीबी रहेगा। तो इसके साथ सेम ऐसी ही कहानी है कि इसका पड़ोसी जो होता है वो ये मेरे पास होता है, इसके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इंडक्टिव जो आगे पढ़ेंगे, हाइपर कंजम्पशन वो भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो वो ही बस होता है इसके पास देने के लिए। इसके पास इसका पड़ोसी कुछ अच्छा खासा अमीर आदमी होता है, तो ये इससे मांगने की कोशिश करता है, भाई कैसे भी करके कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे भी, ताकि मेरा भी भला हो जाएगा। तो यहां से ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई ठीक है, ले ले अपने 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन में दे देता हूं। तो जैसे ही अपने यहां लोन पेयर देगा तो बन क्या जाएगा, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH, यहां पॉजिटिव चार्ज। ये जो लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, यहां लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहते हैं। जो ये लोन पेयर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल को डोनेट किया है, इसी को ही हम क्या कहेंगे भाई, वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वैकेंट पी ऑर्बिटल लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो यहां क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहां देखो पाई बॉन्ड बना दिया है, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, या मैं ये कहूं डीलोकलाइज लोन पेयर कहोगे, या इसी का ही नाम होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी का ही नाम क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये मेरे पास यहां तो कुछ है ही नहीं। अब देखो इसका, अगर इसका कैसे भला हो गया, इसको 2 लोन पेयर लेने से क्या भला होगा, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, और एक ये पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये अपना लोन पे डोनेट कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो बेचारा अभी तक गरीब गरीब चिल्ला रहा था वो अब गरीब नहीं रहा, अब उसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसको आगे चल के हम नाम देंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, या मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कहेंगे इस सिस्टम को। और इसी का ही नाम अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहेंगे तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में इसी का नाम बदल जाता है, ऑर्गेनिक में मीजोमेरिक बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर बैकबॉन्डिंग नाम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आप ये पैदाइशी गरीब नहीं रहा, अब ये क्या हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, पर ये अभी भी कैसा है, आपका गरीब का गरीब है, क्योंकि इसका पड़ोसी अच्छा नहीं है, दे ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम कहानी यहां, जैसे आपके पास यहां नाइट्रोजन की जगह में क्या कर देता हूं, ऑक्सीजन कर दूं, तो ऑक्सीजन के साथ भी सेम कहानी होगी। जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले जाए कि बताओ एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, जैसे आपके कह दिया जाएगा कि मेरे पास ये यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये सिस्टम है, यहाँ आपका क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ऐसे यहाँ मेरे पास क्या है, इसके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नाइट्रोजन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दोनों में कहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहेंगे भाई इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हमने देखा अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, पर यहाँ इसके पड़ोसी के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहां से हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका लोन पेयर देखो यहां डोनेट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, कौन सा रेजोनेंस है, लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो ये लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, तो कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पर लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किससे करेगा ये, देखो ये किसमें है, पी ऑर्बिटल में है, यहाँ क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर को भी किसमें आना पड़ेगा रेजोनेंस करने के लिए, वैकेंट पी ऑर्बिटल में ही आना पड़ेगा, और पी ऑर्बिटल में रहेगा तो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड ओनली, तो एक एस रहा होगा, 2 पी रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहोगे इसका। कहोगे सर कार्बोकेटायन का भी हाइब्रिडाइजेशन बता दो कितना होगा, देखो भाई यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन है उसका वैकेंट है ऑर्बिटल है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही है बस, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक आपके पास यहाँ एस रहा होगा, 2 पी रहे होंगे, sp2,
दो पी रहे होंगे sp2, चाहे वो रेजोनेंस दे देगा तब भी आपके पास तीन सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो भी तीन सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो इसका भी इसका क्या रहेगा sp2, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। इसका आप यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो हम कहेंगे भाई तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रेजोनेंस नहीं कर रहा है, हम इसे एक एस कहेंगे और तीन पी तो sp3, और ये लोन पेयर किसमें रहेगा sp3 हाइब्रिड के अंदर रहेगा। ये लोन पेयर किसमें रहेगा भाई sp3 हाइब्रिड के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे ये आपके पास दे कहा जाए इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और इसका क्या बताओ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व बताओ क्या होगा, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताओ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो यहां मेरे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन या मैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर होगा, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये डोनेट करना पड़ेगा। तो इस लोन पेयर का घर कौन सा होगा, तो देखो ये पी ऑर्बिटल बगल में है, तो इस लोन पेयर को पी ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब लोन पेयर क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैसे रहा होगा, दो पी रहे होंगे, sp2 हो गया sp2। क्या ये लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे इसको। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, अगर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इसकी मैं बात करूं कि यहां मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके पास लोन पेयर दे नहीं सकता है, लोन पेयर नहीं दे पाएगा, तो इसका ये किस में रहेगा sp3 हाइब्रिड के अंदर रहेगा भाई, क्योंकि अब यहां हाइब्रिड, क्योंकि ये किसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका sp3 हो जाएगा, तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2, क्योंकि दो हाइड्रोजन भी है यहाँ, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा एक एस और दो पी sp2 हो जाएगा। तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, देखो ये कर रहा है तो इसका ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोन पेयर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ देने वाला कोई नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सेम कहानी इसी में ही, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें ऑक्सीजन के साथ भी सेम कहानी होगी, ऑक्सीजन के साथ कि ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, जैसे आपके पास सिंपली दे दिया जाए कि भाई ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है और इसमें ये ऑक्सीजन CH3 है, तो यहां इसके पास भी दो लोन पेयर है और इस कार्बोकेटाइन के पास क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इस कार्बोकेटाइन के पास क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये अपना एक लोन पेयर क्या कर देगा इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देगा, बट एक लोन पेयर क्या नहीं रहेगा वैकेंट पी ऑर्बिटल, दोनों में से कोई एक ही डोनेट कर सकता है, तो ये एक लोन पेयर तो हाइब्रिड में रहेगा और दूसरा लोन पेयर किस में रहेगा पी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब इन दोनों में से कोई एक लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हो। तो दो तो लोन पेयर ना, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एक एस और दो पी sp2। आप कहोगे क्या ये एक लोन पेयर जो होगा इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, इसमें से एक लोन पेयर ही रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन ही क्या कहोगे आप पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन नाम दोगे। कह देगा क्वेश्चन से आपसे कि बताओ इनमें से दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ क्या होगी, तो यहां मेरा कार्बोकेटाइन आ गया, इसमें से यहां आपके पास क्या दे दिया भाई ऑक्सीजन दे दिया, जैसे यहां ऑक्सीजन लिख दिया है, ठीक है ये पूछ लिया, और दूसरा आपके पास ये कार्बोकेटाइन हो गया। इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो स्टेबिलिटी की बात की जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम होगा, तो मैं कहूंगा इसका एक लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा, जबकि इसका कोई यहां कोई भी लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां क्या करेगा डोनेट करने के बाद क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, देख सकते हो दो हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ चार सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा ना तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन, तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड है तो छह इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए एट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ कितने थे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे, दो हाइड्रोजन यहाँ मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है यहाँ सॉरी एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन नाम आएगा एक हाइड्रोजन है, ठीक है तभी तो होगा पांच बॉन्ड बना दिए, तो यहाँ क्या होगा एट इलेक्ट्रॉन्स,
तो यहाँ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड है ओनली, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट नहीं हुआ है, यहाँ ऑलरेडी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन से है। इस ऑक्सीजन के लोन पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जबकि इसका इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि इसका एक लोन पर अब किसमें है, पी ऑर्बिटल में है, उसका अगर पी ऑर्बिटल में होगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं होगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इसमें से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछो भाई। बताओ समझ में आया क्या, भाई पूछो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो डाउट, कंटिन्यू रखो सर, आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो प्रॉब्लम सर, लास्ट वाला कंपाउंड टोटल। अभिषेक क्या पूछ रहा है सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पाई नेगेटिव पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, ये कौन सा में कॉन्सेप्ट आ गया नेगेटिव पाई बॉन्ड, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, नेगेटिव पाई बॉन्ड का मतलब क्या है भैया अभिषेक, जो पूछना चाह रहा है भाई एक बार क्लियरली लिख दे, मैं समझ नहीं पा रहा तू क्या पूछना चाह रहा है इसमें सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव पाई बॉन्ड कितने होंगे, नेगेटिव पाई बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक बार क्लियरली बता क्या पूछना चाह रहा है, फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है तो। देखो इधर ध्यान दो भाई, एक छोटा सा इसका बोरोन का और बता देता हूँ तो क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, बोरोन का इसी में और कर देते हैं, फिर तीनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, फिर फोर्थ टाइप पे चलेंगे हम, ठीक है। बोरोन की कहानी की अगर मैं बात करूं, बोरोन हमारे पास सिंपली वही है, जैसे मेरे पास यहां जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है और यहां मैंने बोरोन रख दिया, ठीक है, और एक मेरे पास यहां क्या आ गया, यहां मेरे पास बोरोन के साथ यहां नाइट्रोजन दे दिया मैंने और यहां बोरोन रख दिया, तो जैसा कार्पेटाइन काम कर रहा था वैसा ही अब कौन करेगा, बोरोन करेगा, जैसा कार्पेटाइन कर रहा था वैसा ही कौन करेगा भाई, बोरोन करेगा, मतलब बोरोन के पास हमें पता है वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो इसका लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो क्या ये लोन पेयर आपका पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे, बिल्कुल इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, कौन सा लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहोगे इसको, क्या ये अब किसमें लोन पेयर, अगर मैं किसमें होगा पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, ये इस लोन पेयर का घर कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ओनली तीन सिग्मा बॉन्ड एक एस और दो पी हो जाएंगे, इसका sp2 हो जाएगा, सेम इसकी कहानी ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ जैसे मेरे पास OCS3 हो गया और उसके साथ कौन आ गया, बोरोन आ गया, तो बोरोन के पास क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो इसका एक लोन पेयर तो क्या कर जाएगा भाई, रेजोनेंस कर जाएगा, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट कर जाएगा, तो ये लोन पेयर किसमें रहेगा पी ऑर्बिटल में, जबकि ये लोन पेयर किसमें रहेगा आपका वैकेंट ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसका मतलब क्या होगा एक एस और दो पी रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया इसका वैकेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहां तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये, तो इसका ये मेरा क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, तो सेम कुछ कहानी नहीं होगी, तो यहां मेरे पास क्या बन जाएगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन CH3 डबल बॉन्ड BH2, तो ये मेरे इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव, यहां से क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा बोरोन, तो
ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो इसका घर कौन सा होगा वो भी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो सारी बातें हम देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, जैसे आपके पास पूछ लिया जाए कि भाई ये मेरे पास कंपाउंड है, इस ऑक्सीजन में यहां बोरोन लिख दिया है, यहां बोरोन बना दिया मैंने, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें यहां बोरोन बना दिया है मैंने, ठीक है, ये बोरोन बना दिया है, ठीक है। अब इनमें चेक किया जाए कि भाई इन दोनों इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो देखो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस बोरोन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये लोन पर एक लोन पर इसको डोनेट कर देगा, एक लोन पर डोनेट कर देगा पर एक लोन पर अभी भी रह रहा है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो आपके पास एक लोन पर दो सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हुए तीन, तो एक एस और दो पी, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, इसका एक लोन पर पी ऑर्बिटल में रहेगा, दूसरा लोन पर किस में रहेगा, एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोरोन का हाइब्रिड तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब एक एस और दो पी, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। इसमें बात करेंगे तो इसमें जीरो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी लोन पेयर क्या नहीं कर रहा है, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। इसमें इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो मैं कहूंगा दो सिग्मा बॉन्ड और दो ही क्या है, लोन पेयर है, दो लोन पेयर है तो चार हो गए, तो एक एस और तीन पी रहे होंगे तो एसपी थ्री। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो मैं कहूंगा तीन सिग्मा बॉन्ड है ओनली, तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे तो एसपी टू हो जाएंगे, एक एस और दो पी हो जाएंगे तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बोराजीन जानते हो बताओ, बोराजीन जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, तो ये आपका होमवर्क है आपके लिए दे रहा हूं कि इसमें से आपको क्या क्या, सबसे पहले तो क्या करना है, इंडिकेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन एंड बोरोन, ठीक है, एक आपके पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और कौन सा कहां है, पी ऑर्बिटल में है कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, उनका घर बताना है, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर बताना है, दोनों क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है, दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन और बोरोन का, इसे बोराजीन कहते हैं या इसी को ही कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तीसरी चीज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इनका ऑर्बिटल का घर बताना है कि कौन सा इसमें, इन बोरोन का हाइब्रिडाइज ना, इसमें लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के, इनका घर बताना है कौन से में है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा लोन पेयर, ये भी बताना है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज है, कौन सा लोकलाइज है, फोर्थ क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है, लोकलाइज डीलोकलाइज। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछो भाई, ठीक है। लास्ट दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लास्ट दोनों में, अरे भाई ये ऐसे मत लिखा करो क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कि लास्ट दोनों में कौन से का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आप बता दिया करो भाई क्वेश्चन कौन सा है वो, मुझे तो खुद नहीं पता लास्ट दोनों में, अच्छा इन दोनों में बात कर रहे हो क्या, इन दोनों में लिखा तो है ये मेरा सेकंड जो है ये ज्यादा स्टेबल है, कर्णम ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है सर, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, कर्णम सर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, छह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या, अरे भाई कौन से लास्ट क्वेश्चन में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, किसकी बात कर रहा भाई, इसमें तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो लिखा है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है ये, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है कर्णम, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सही है भाई तेरा, ये लिख लेना भाई, इसको मिसप्रिंट करना, स्प्रिंट कर, सही कर लेना, ठीक है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, थैंक यू कर्णम डिनर।
हाँ भाई डिनर डिनर करना ही अब। हाँ तो डिनर कर ले भाई, अब बंद कर रहे हैं क्लास, टेंशन ना ले तू, परेशान ना हो, ठीक है? मुझे पता है तू कॉलेज से पढ़ के आया है ना, कॉलेज में थोड़ा पढ़ के आया है, परेशान हो गया है, डिनर भी तुझे करना है, ठीक है? कॉलेज में 6 घंटे तो पढ़ के आया होगा। डिफरेंट बिटवीन रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। अरे रिचा मैं कहा मीजोमेरिक इफेक्ट, मैंने कहा आगे पढ़ेंगे, ठीक है रिचा? अभी मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, मीजोमेरिक क्या होता है सब पता चल जाएगा, क्या डिफरेंस है सारी कहानी पता चल जाएगी, ठीक ना? सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है? मैं मीजोमेरिक अभी स्टार्ट ही नहीं, मैं तो उसके टाइप बता रहा हूँ भाई, ये टाइप होते हैं रेजोनेंस के। मीजोमेरिक एक रेजोनेंस का टाइप होता है, ये जैसे आपके पास ये थर्ड टाइप लिखा है, इसी को मीजोमेरिक कहते हैं, ठीक है? तो रेजोनेंस के 6 टाइप में से एक टाइप मीजोमेरिक होता है, ठीक है रिचा? वो जो मीजोमेरिक आएगा तो मैं उसकी कहानी डिटेल में पढ़ेंगे। मीजोमेरिक बहुत स्ट्रांगली होता है, सबसे पावरफुल इफेक्टिव मीजोमेरिक होता है, ठीक है रिचा? पढ़ेंगे वो। समीम समीम क्या पूछ रहा है? सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने पर वो अनस्टेबल नहीं होगा क्या? वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समीम सब कुछ पता चलेगा तुझे जब हम रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेंशन ना ले, सब बताऊंगा, ठीक है? सब पता चल जाएगा तुझे। कैसे पता चलेगा? ये सारी बातें पता चल जाएगी, मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, बताऊंगा कि कौन स्टेबल है कौन नहीं है। अभी मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की, इसके टाइप के बाद जस्ट अगला टाइप होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसके अंदर सारी कहानी आपको पता चल जाएगी कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ठीक है? अभी टेंशन ना ले, ठीक है? अरे भाई थोड़ा सा सबर करो, तुम्हें एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, आपको ऐसा खुद ही ऐसा फील होगा कि भाई अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जीओसी पढ़ना। बस इन कॉन्सेप्ट को समझते चलो आप, आगे की बातें मत पूछो, आगे तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कौन अनस्टेबल है कौन स्टेबल है वो सारी बातें पता चल जाएंगी, कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी सब आएंगे, वो इंटरमीडिएट के अंदर सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? कैसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी, ये अभी तो मैंने सिंपल कॉमन बताया है एक ओनली, फिर भाई इसका अपडेट कंप्लीट हो रहा है, एक ही इफेक्ट थोड़ी ना, तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है? सारे इफेक्ट बताऊंगा, पहले इफेक्ट तो समझा दूं कि इफेक्ट ही क्या होते हैं, अगर इफेक्ट ही नहीं पता चला, स्टेबिलिटी बताने चला गया तो बता क्या फायदा उस चीज का, समझ में नहीं आया आपको। तो एक सीक्वेंस मैंने पहली क्लास में कहा था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको सीक्वेंस होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? तो सीक्वेंस से चलना है हमें, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए आपका भी, ठीक है? लास्ट वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? कहाँ लास्ट वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है वो, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ये, 3 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बेट आयन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ ये मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इस कार्बेट आयन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम कहानी ऐसे ही आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड 1 हाइड्रोजन भी है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है सावत? अरे लास्ट क्वेश्चन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है ये, अभी तो बताया है इस लास्ट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन अलग है, ठीक है? दोनों कहानी अलग, इसमें टोटल यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, देख भाई इधर ध्यान दे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, ठीक है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई, 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड में देख इधर ध्यान दे समझ, 1 सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 3 = 6, ठीक है? यहाँ 1 पाई बॉन्ड भी है, तो 1 पाई बॉन्ड के अंदर भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 लिखे + 2 लिखे, टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से। अब समझ में आ गया, ये ऐसे निकाले हैं यहां से देख सकता है, ठीक है? यहां पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा है, इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, ठीक है? सुश्री इधर ध्यान दे, रेजोनेंस के बाद पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या नहीं, देख इधर ध्यान दे, ये अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है,
मैं इन दोनों को अलग अलग समझाया है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं कर, इन दोनों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तुम्हें मिक्स नहीं करना है, एक नहीं है, अलग अलग है दोनों, इसे दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अब इसे एक सर कॉन्जुगेशन में, अब इसे एक भाई क्या पूछना चाह रहा है, देख सर कॉन्जुगेशन में कहां कॉन्जुगेशन की बात आ गई, फिर और भी पीछे के कुछ दो मिनट, अभी से क्या कहना चाह रहा है सर कॉन्जुगेशन में आगे कुछ बता। सर ऑक्सीजन एटम में ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लेस स्टेबल होगा, क्या करना, ये आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर, ठीक है, तो जब टाइप पढ़ा दूंगा उसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाता है तो क्या होता है, कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा, इन दोनों जैसे ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है तो इन दोनों के में कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा, ये दोनों के अंदर कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा, ये इसके टाइप्स के बाद जस्ट अगला टॉपिक वही होगा, ठीक है, करना वो पढ़ाऊंगा अच्छे डिटेल में। जस्मीन सिक्स और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, अरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक सिग्मा काउंटिंग भी नहीं आती क्या भाई, अरे काउंटिंग तो करनी आती है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड में मैंने बार बार चिल्ला रहा हूँ, इस कार्बन ये कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है, कितने बॉन्ड बना रखा है, तीन बॉन्ड बना रखा है, एक सिग्मा तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो सिक्स इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग चीजें हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें सिग्मा भी आ लिए पाई भी आ लिए सब आ लिए, ठीक है, वहां ओनली हम क्या काउंट कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो मैं सिक्स इलेक्ट्रॉन लिखा है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन लिखता हूं इसमें बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है, ये ओनली फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूं इसमें, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन सिग्मा हो नॉन पेयर हो नेगेटिव चार्ज हो सब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं इसके अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन लिखता हूं इसके अंदर, ठीक है। अरे सुश्री ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसकी ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि रेजोनेंस करने के बाद वाला इलेक्ट्रॉन काउंट करना है क्या, अरे ये दो ये अलग स्ट्रक्चर ये अलग है, इसकी अलग प्रॉपर्टी ये अलग है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अलग अलग ही रखो, इसको मिक्स मत कर, ठीक है, इसकी अलग कहानी होगी, इसकी अलग है, ठीक है, दोनों को अलग अलग रख सुश्री। भाई कहां लिख दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तुम बार बार कहां लिख दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने लास्ट वाले में, तुम लास्ट वाला बता रहे हो, लास्ट वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन लिखे टोटल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन वेयर दो टू कार्बन इज कार्बोकेटायन, अंकित क्या कहना चाह रहा है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन टू कार्बन इज कार्बोकेटायन, सर दिस इज एग्जांपल एंड प्लीज एक्सप्लेन, क्या पूछना चाह रहा है मैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दो कार्बन पे क्या है कार्बोकेटायन है, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कहना चाह रहा है कि कार्बन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये ऑक्सीजन है तो यहां कह रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है क्या, देख मेरे भाई यहां इस कार्बन के पास ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल ये पॉजिटिव चार्ज बना है, इसमें बता क्या एक्सप्लेन करना है, कुछ तो बता क्या एक्सप्लेन करो इसमें, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है वो भी तो बता अंकित, दिस एग्जांपल ले लो और सर प्लीज एक्सप्लेन, तो क्या एक्सप्लेन करो इसके अंदर ये तो बता,
अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में आएगा, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है, ये सब कहानी आएगी, पहले बता भी देता हूँ। बताओ, जब ये बेचारा क्या है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसका हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। इन दोनों की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। कैसे होगी वो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। रेजोनेंस की एंथ्रासीन में सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन sp2 एंड बोरोन sp2। अरे ये मैं इस वाले में बात कर रहे हो क्या, इस वाले में बात कर रहे हो क्या, इसमें यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये कह रहे हो क्या। देख यहां मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिचा क्या कह रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन sp2 और बोरोन sp2, ठीक है। यहाँ जो 2 पाई ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास, इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 आपके पास ये होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आ लिए, और पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि आपके पास ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। समीम कौन सा फोर्थ सवाल बोल दिया, एक ही जवाब नहीं आया, कौन सा भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा एक बार बता दें। बायो वाले भी दे सकते हैं, जेएम के एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, पूछ लेना भाई अकेडमी फोन करके। ओके सर, होमवर्क में थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैंने पूछा है कि आपके पास इनका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा इसका घर बताना है कि कौन से घर में रहेगा, पी ऑर्बिटल में रहेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। भाई क्लास एंड हो गई है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 3 टाइप हो गए, 3 टाइप और बचे, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो उस स्टेबिलिटी में आएगा कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, कौन कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, अभी हम उसका बेसिक उसके टाइप पढ़ रहे कि रेजोनेंस किसको कहते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। बाय।